हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक मिनट, न्यूट्रल एम्पायर के पास आप दोनों के बीच जेडीयू के दामोदर रावत आगे और आंकड़ा देख लीजिए आप। नीतीश प्लस 13, तेजस्वी प्लस 15, अभी तक कुल 28 सीटों का ये आंकड़ा सामने आ रहा है। रुझान है ये शुरुआती, अभी पोस्टल बैलेट ही गिने जा रहे हैं। आप वक्त देख लीजिए, महज 8 बजकर अभी वक्त जो हो रहा है वो 20 मिनट के आसपास का हो रहा है। और ऐसे में ये शुरुआती रुझान, एनडीए 16 पर महागठबंधन ने 4 सीट का फासला कर लिया है एनडीए से, 20 पर महागठबंधन। 16 और 20, अगर झांझरपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे, अगर महागठबंधन की सरकार बननी है, पूर्ण बहुमत मिलना है, तो कांग्रेस को अच्छा करना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कांग्रेस बहुत खराब करे और फिर भी सरकार जो है अभी तो शुरुआती रुझान है। निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छा करेगी, तभी महागठबंधन 130-140-150 तक जाएगी। देखिए, महागठबंधन की फ्लैगशिप पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसका असर उसके सहयोगी दलों पर भी पड़ेगा। वामपंथियों को भी उसका लाभ होगा और कांग्रेस को भी उसका लाभ होगा। और कांग्रेस स्वाभाविक रूप से जो ऊंची जात का आकाशवाणी से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही है। श्रेयसी सिंह ने बढ़त बना ली है जमुई से। और इस वक्त संगीता जी के पास अपडेट। रुमाना, मैं मेरे पास कई सारे अभी रुझान दिख रहे हैं। साफ तौर पे बांका से बीजेपी आगे है, रामनारायण मंडल आगे चल रहे हैं, बोचहा मुजफ्फरपुर रमई राम आगे चल रहे हैं, चकई जमुई से सावित्री देवी, इसमें जमुई से श्रेयसी सिंह बीजेपी जिनका की अभी हम बता रहे थे, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जो बीजेपी के हैं वो आगे चल रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊं, किशनगंज से इजहारुल हुसैन कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, मोतिहारी से प्रमोद कुमार बीजेपी के लीड कर रहे हैं, मंत्री हैं जी बिल्कुल। नरकटियागंज होना चाहिए, पश्चिम चंपारण शमी महमद आरजेडी के आगे चल रहे हैं, पालीगंज से संदीप सौरभ CPIML आगे हैं, और इसमें आगे बढ़े शिवहर से चेतन आनंद आगे चल रहे हैं जो आरजेडी के हैं, डेब्यू कर रहे हैं चेतन आनंद। जल्दी से भेजिए जी और क्या जानकारी। इसमें अरवल से जहानाबाद से महानंद सिंह CPIML के आगे हैं। आकाशवाणी नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। श्रवण कुमार जीतते हैं लगातार इस सीट से, 1995 से लगातार जीत रहे हैं श्रवण कुमार। और एक बार फिर से श्रवण कुमार ने नालंदा सीट पर अपनी बढ़त बना ली है। और इस वक्त ये बड़ा आंकड़ा देख लीजिए आप, नीतीश प्लस 18 पर, तेजस्वी प्लस 26 पर, और इन 18 में से जेडीयू के अपने खाते में महज 6 सीटें आ रही है, वहीं तेजस्वी प्लस की 26 में आरजेडी के खाते में 10 सीटें जा रही है। सुमित, 60-40%। देखिए, अगर वो 26 ला रहे हैं पोस्टल बैलेट में, 8 ज्यादा ला रहे हैं, तो 130 का जो आंकड़ा था एबीपी न्यूज एग्जिट पोल का, उससे वो कहीं ज्यादा जा रहे हैं। मतलब कहां जा रहा, आप 160-170 तक उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि जब ये उछाल आता है तो वो लगातार उछाल बना रहेगा। जी सही कह रहे हैं। और थोड़ा सा ये महिला कैंडिडेट श्रेयसी सिंह की बात हो रही थी, काफी अच्छा करेंगी ऐसा लगता है, हालांकि बीजेपी से हैं, लेकिन दूसरी बीजेपी से अच्छा नहीं करना चाहिए महिलाएं तो। आपके क्या क्या बोलना चाह रही है, महिला है तो अच्छा करें, बीजेपी से तो अच्छे ना करें? क्योंकि बीजेपी की बात हो रही है कि वो अच्छा करेगी या नहीं, इसलिए मैं ये कह रही थी। लेकिन महिलाओं की अगर आप बात देखें तो इस नए बिहार में कुछ अच्छी नई महिलाओं को जो है हर एक पार्टी से टिकट। रुमाना, आंकड़ा बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है आंकड़ा, 20-28 पर पहुंच गया है फासला। देखिए आप किस तरीके से एनडीए 20, गठबंधन 28 सीटों पर आगे। नीतीश कुमार के मंत्री प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। प्रेम कुमार गया से आगे चल रहे हैं, लेकिन सहरसा से विजय जी के पास खबर है। सहरसा से लवली आनंद पीछे चल रही हैं, जो कि इनके महागठबंधन के टिकट पर खड़ी थी। और एक हालांकि आरजेडी ने पिछली बार ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार अभी लवली आनंद पीछे। नीतीश मिश्रा जो जगन्नाथ मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री चल रहे हैं बसे थे झंझारपुर में, वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं, बीजेपी की पार्टी से खड़े हैं, वो आगे चल रहे हैं। वो बिल्कुल जेडीयू से खड़े हुए हैं, वो शायद आगे चल रहे हैं इस वक्त। सुमित जी देखिए, लवली आनंद की जो बता रहे हैं, नहीं हम अब ठीक है, अब 6 सीटें करें, सब आदमी ही करें, हम भी ये करेंगे, अभी थोड़ा इंतजार करें, अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। लेकिन अभी लवली आनंद की बात करें तो लवली 28 एनडीए 22। रुमाना बिल्कुल देखिए, फासला थोड़ा सा कम किया है एनडीए ने महागठबंधन के साथ, जो पहले 20-28 का आंकड़ा था। आकाशवाणी बीघा से कांग्रेस के गजानंद शाही आगे। चलिए तो बीघा से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के बीच, अभी आंकड़ों का खेल जारी। शुभ रास्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ रास्ता, अभी तक के आंकड़े देखकर आप तो खुद बिहार से आती हैं, आपको लगता है कुछ आश्चर्यचकित आप हो रही हैं? मैं बिल्कुल भी आश्चर्य। और अब तक 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं। पहली 50 सीटों के रुझानों में तेजस्वी प्लस लीड लेते हुए रुझानों में 28 सीट पर महागठबंधन आगे, नीतीश प्लस 22 पर बढ़त बनाए। शुभ रास्ता,
मैंने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है सुमित जी कि 2015 का ही रिपीट होगा ये आरजेडी। मुझे लगता है कि आरजेडी का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होगा, जेडीयू पीछे जाएगी, बीजेपी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। टक्कर सरकार किसकी बनेगी वो तो हम लोगों को थोड़ा और वेट करना। जी, विजय शनगंज से इसराउल हुसैन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस क्या वो आगे हो गए हैं? ओवैसी की पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही, पूरे अभी सीमांचल में कहीं नजर नहीं। आकाशवाणी सीतामढ़ी के बजपट्टी से आरजेडी के मुकेश कुमार यादव आगे। सीतामढ़ी से आरजेडी के मुकेश कुमार यादव आगे हो गए हैं, कहना चाह रहे हैं कुछ ऋषि जी? मुकेश कुमार उपप्रमुख रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं, और यहाँ रंजू गीता जो मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के कैबिनेट। 42 बहुत बड़ा उलटफेर, ये बड़ा उलटफेर हो रहा है। देखिए जरा, गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और गठबंधन 42 पर पहुंच गया है, करीब दुगने का फासला बनाते हुए। एनडीए 24 सीट पर और महागठबंधन 42 पर, ये फासला अचानक से छलांग लगाकर महागठबंधन ने अपना बढ़ा लिया है एनडीए से। तेजस्वी प्लस 42, नीतीश प्लस 24, सुमित 42 महागठबंधन। अभी चकई से आरजेडी की सावित्री देवी आगे। जी, पोस्टल बैलेट का मतलब और ज्यादा लहर का मतलब है, क्योंकि ये मिडिल क्लास, पढ़े लिखे और सवर्णों का वोट है, तो इसमें अगर आरजेडी गठबंधन को इतनी लीड हो रही है तो एक्चुअल जी नहीं, ये मिसलीडिंग होगा मेरे हिसाब से। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आर्मी में, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में यादव और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या, भागीदारी बड़ी है। ये पोस्टल बैलेट में आपको जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए गठबंधन आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। पोस्टल बैलेट ही अमेरिका में चुनाव बदला है। पोस्टल बैलेट उतने बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट अपने देश में नहीं है, तो इसलिए पोस्टल बैलेट से कम होगा, इंडिया पास आएगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये हो सकता अंतर बढ़ जाए, लेकिन आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। मनेर में प्रवक्ताओं की लड़ाई, यहाँ पर आरजेडी के भाई वीरेंद्र जो है वो आगे हो गए, क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन पोस्टल बैलेट में इस बार जो कोविड के पेशेंट्स हैं 80 साल से ऊपर, उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, इसीलिए 2 लाख के आसपास पोस्टल बैलेट। सुमित जी एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि जैसे चंपारण बेल्ट हो गया, मधुबनी झंझारपुर बेल्ट हो गया, वहाँ अग्री जाति का वोट भी महागठबंधन को मिलते हुए दिखा है। आप देखिए, 9 सीट है बेतिया में। सुनिए, शिवहर से आरजेडी के चेतन आनंद आगे। लगभग दुगने का अंतर हो गया, 24 और 46, लगभग दुगना। ये साबित करता है सुमित जी कि अगला जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बड़ा फर्क लाने वाला है, और हो सकता है महागठबंधन बहुत बड़ी विकल्प। मैं साफ कर दूं, ये रुझान है, पोस्टल बैलेट है, शुरुआती पहला आधा घंटा है। और मैं ये बता दूं कि देखिए, कुल 66 सीटों का ये आंकड़ा आपके सामने आ गया है। 243 में से 60 पर करीब 25% सीट बन जाती है, मतलब करीब 25% सीटों का ये हिसाब किताब आपके सामने है। और इन 25% सीटों में दुगने की बढ़त फिलहाल रुझानों में महागठबंधन तेजस्वी प्लस की बनी हुई है। नीतीश प्लस 24 आकाशवाणी बिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार आगे। कुल मिलाकर बड़ी जीत क्या बिल्कुल लग रहा है? जैसे कुछ बड़ी जीत बिल्कुल, महागठबंधन अभी मैं कह सकती हूँ कि काफी बड़ी जीत। पोस्टल बैलेट है, नहीं फिर भी मैं कहूंगी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूंगी। और दूसरा ये कि जो यूथ है, जो यूथ चेहरे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे बढ़ते हुए। इस बार ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि पिछली बार जब पलट गया था चुनाव 1.5 घंटे के बाद, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, नहीं, इसमें गठबंधन आगे चल रहा है और हम लोगों का जो अंदाज था वो पोस्टल बैलेट में भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग पूर्वी भारत की तरफ बढ़ते हैं, जो परिवर्तन शब्द है वो राजनीति में हावी और महागठबंधन ने 50 का आंकड़ा छू लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन ने 50 का आंकड़ा छू लिया है, मतलब हाफ सेंचुरी लगा दी है तेजस्वी प्लस ने, जिसमें अपनी आरजेडी की 34 सीटें, जिस पर आरजेडी ने बढ़त बना रखी है, कांग्रेस 10, लेफ्ट 6। तो तेज स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ता हुआ इस वक्त महागठबंधन, 66 सीट का आंकड़ा आपके सामने, और इसमें महागठबंधन ने 50 का आंकड़ा छू लिया। दोगुने का अंतर हो गया रुमाना, 50 और 24, 50 दो तिहाई से अभी कम है, दो तिहाई से ऊपर जाएगा। आप अपनी बात पे अड़े हुए। इस बार सुमित जी, ये जो बैलेट वाला ट्रेंड है, ये बताता है कि अर्बन एरिया बीजेपी बड़ी पार्टी हुई है गठबंधन में। बीजेपी बड़ी पार्टी होकर उभरेगी ही। और छपरा से बीजेपी के डॉक्टर सीएन गुप्ता आगे चल रहे हैं। अपने एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, लेकिन ये जो हमारे अर्बन एरियाज में भी इस बार गठबंधन अच्छा करेगी और एक नया ट्रेंड होगा। ये पहले के देखिए, मैं 34 आरजेडी, 10 कांग्रेस महागठबंधन में, 10 कांग्रेस अभी भी लायबिलिटी बोलेंगे आप उसको? मैं अभी भी अपने बात पे कायम हूँ। कुछ ऐसे सीट कांग्रेस ने दिया है जहाँ कांग्रेस स्ट्राइक नहीं करती हुई दिख रही है। महागठबंधन के स्ट्रांग वोट बैंक के बावजूद भी, जैसे पारू है, लालगंज है, आप औरंगाबाद से उठा के एक कैंडिडेट को
रुमाना, रुमाना। आंकड़ा बदला है, महागठबंधन 50 के भी पार, महागठबंधन तेजस्वी प्लस 52 पर पहुंच गया है, एनडीए 28 पर है, महागठबंधन लगातार अपनी लीड लिए हुए, वो भी करीब दुगनी के आसपास। सुमित, ये आंकड़े देख के राजकिशोर जी कुछ आश्चर्य हो रहा है? नहीं, जो बात हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, खासतौर से जब एबीपी की टीम जब उतरी, जब उसने बताना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो उसी समय हम लोगों ने कह दिया था कि आंकड़े इसी तरफ जाए। लेकिन जो सबसे खास बात है कि बीजेपी सत्ता में भले ना आए, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर आ रही है और नीतीश का युग समाप्त हो रहा है, और मुझे लगता है कि अब आरजेडी बनाम बीजेपी जो पहले दूसरे नंबर पर होती थी वो एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। शुभ रास्ता, अगर बीजेपी ये चुनाव नीतीश के बगैर लड़ती, अकेले लड़ती, तो ज्यादा फायदेमंद होता? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा फायदेमंद होता, लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति रही है, जेडीयू का इस तरीके से जैसे वो नीचे जा रही है, वो जाना जरूरी था, तभी बीजेपी की महत्ता भी शायद। अब मैं इसे सहमत नहीं हूँ सुमित, क्योंकि बिहार में ये है कि तीन फोर्सेज एक साथ ही, दो जहाँ पे हो जाती थी वो चुनाव जीत जाते थे, तो बीजेपी उसी हिसाब से गई। इस बार जैसे नंबर आ रहे हैं वो तीन फोर्सेज वाली बात रहेगी। आकाशवाणी आरजेडी के जितेंद्र कुमार रे आगे चल रहे हैं। आरजेडी के एक और उम्मीदवार आगे, और मुझे लगता है छोटे लालू से एक रिएक्शन लेना चाहिए, यहाँ तो तेजस्वी प्लस दुगने की बढ़त बनाए हुए है। छोटे लालू जी, इम्पोर्टेंट अभी तक आई हो, बाकी अभी लड़ाई हो, और 24 में दिल्ली पर चढ़ाई हो। छोटे लालू, किस आवाज की बुलंदी में को मानना पड़ेगा, उसके कारण भी है, क्योंकि मैं नॉर्थ बिहार में देख रही हूँ, जो कि जेडीयू बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे गठबंधन भारी बढ़त अभी पोस्टल बैलेट में ही बनाए हुए हैं, और ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि वहाँ पे पोस्टल बैलेट आगे चल रहा है। जी, और नॉर्थ बिहार, नया आंकड़ा सामने आ गया है, और नया आंकड़ा ये कह रहा है कि एनडीए 34 महागठबंधन 60, मतलब करीब दुगने का फासला लगातार बना हुआ है, एनडीए 34 महागठबंधन 60। जो बात संगीता कह रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो महागठबंधन का इलाका है वहां पर भी पोस्टल और बीजेपी का इलाका है, वहां पे महागठबंधन आगे चल रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछली बार 2015 में अपने दम पर बीजेपी जब लड़ी थी चुनाव जेडीयू से, कांग्रेस आगे चल रही है, मदन मोहन तिवारी आगे, तो उत्तर बिहार से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी अपने दम पर। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी के इलाकों में भी महागठबंधन आगे चल रहा है, दैट टू इन पोस्टल बैलेट्स, जहां पे माना जाता है कि बीजेपी के लिए पोस्टल बैलेट पड़ते हैं? इससे पता लगता है कि नाराजगी का जो प्रचार प्रसार है वो बिहार से बाहर उन वोटरों तक भी पहुंचा है जो कि प्रॉक्सी वोट एक तरह से देते हैं। एक रीजन वाइज एक बार हम देख लीजिए, रीजन वाइज आप देखिए, ईस्ट बिहार में आरजेडी 4 सीटों पर आ गए है, जेडीयू 3 पर, बीजेपी 3 पर, यानी महागठबंधन के पक्ष में 6 हैं, लेकिन आईएनसी कांग्रेस 2 पर है, तो कुल मिला के इससे ज्यादा ईस्ट बिहार में महागठबंधन को बढ़त हासिल है। सुमित, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, देखिए जिस नाराजगी की बात हो रही है, नीतीश प्लस जो है एनडीए 34 पर है, मतलब जेडीयू और बीजेपी मिलाकर 34 पर है, और आरजेडी अपने दम पर 40 पर, इस वक्त रुझानों में बड़ी बढ़त आरजेडी की। सुमित, आरजेडी की 40, सुनिए आरजेडी के बागी कुमार वर्मा पोर्धा से आगे चल रहे हैं। अभी जो आप प्रश्न कर रहे थे कि क्यों, मुझे लगता है कि जो सवर्ण वोटर इस बार बहुत डिफेंसिव था, बीजेपी के क्षेत्रों में भी अगर आरजेडी जीत रही है तो उसने उस तरह से एग्रेसिवली वोट नहीं किया जैसे पिछली बार किया था। दूसरा, मुझे लग रहा है अगर यही ट्रेंड रहा तो अगली राजनीति में बीजेपी और आरजेडी, मैं फिर से साफ कर दूं, ये पोस्टल बैलेट है, ये रुझान है, नतीजे नहीं है, अबे असली वोट कितने जाने बाकी है।